वंदे मातरम बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई मैथमेटिक्स बाय पीएसएम। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3, क्लास 10th का 8.3। तो 8.3 जो हमारा स्टार्ट होता है उसका बेसिक्स जो है बच्चों वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो इसके कुछ रेशियो, कुछ फॉर्मूले बनेंगे, वो फॉर्मूले कैसे बनेंगे वो भी बता देते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता, वी नो डैट टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इक्वल्स 90 डिग्री। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ, आप जानते हैं कि दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है वैसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक राइट एंगल ट्रेंगल है, ओके, जो कि राइट एंगल किस पर, बी पर है। तो इन ट्रेंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री, देन ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, तो ए प्लस सी इक्वल्स क्या हो गया, 90 डिग्री। तो हमने इसको सिंपली ऐसा लिख दिया एंगल का साइन हटा के, और सी को देखिए बच्चों क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं, ए को वहां पर ले गए। तो चलिए अब ए के रिस्पेक्ट में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो हैं, ये देखिए साइन ए निकालेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो इसके सामने जो बनता है वो होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया बी सी। ओके, और ये हो गया हमारा ए सी हाइपोटेन्यूस, तो आ गया बी सी अपॉन ए सी। इसी तरीके से कॉस ए निकालेंगे तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है के रेस्पेक्ट में, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। टेन ए बी निकाल लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके, तो ये आपका हो गया बी सी अपॉन ए बी। चलिए ये हमने ए के रेस्पेक्ट में निकाला था, अब हम सी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। सी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या होगा, इसके सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस। तो साइन सी जब बच्चों निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, ए बी अपॉन ए सी। तो देखिए ए बी अपॉन ए सी। इसी तरीके से कॉस सी निकाल लीजिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी। टेन सी निकाल लीजिए, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, अब देखिए बच्चे सी की जगह हमने क्या लिखा था, 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं, क्यों, ये देखिए ये एक ट्रेंगल ए बी सी है तो इसमें तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब ऑलरेडी यदि बी 90 डिग्री है तो ए प्लस सी का सम कितना बचा, 90, हमने इसलिए इसको ऐसा लिख दिया था। अब सी की जगह हमने क्या कर दिया, ए को राइट हैंड साइड में ले गया तो 90 डिग्री माइनस ए। अब हमने सी की जगह ये वैल्यू पुट कर दी तो हमको क्या मिलेगा, 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। सभी जगह हमने सी की जगह 90 डिग्री माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए कर दिया। अब देखिए यहां पर ये साइन 90 डिग्री माइनस ए, ए बी अपॉन ए सी, इसमें से किसके इक्वल है, इसके इक्वल आ रहा है बच्चों, तो इट मीन्स कॉस ए जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस ए के। इसी तरीके से ये देखिए बी सी अपॉन ए सी, ये किसके इक्वल आ रहा है, इसके, तो कॉस 90 डिग्री माइनस ए जो रिलेशन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, साइन ए के। अभी देखिएगा बच्चों, थोड़ा आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, मैं और क्लियर करता हूं। मेन जो है हमारा ये कुछ फॉर्मूले पढ़ने आप, ठीक है, ये फॉर्मूले के बेस्ड पर ही हमारा पूरा एक्सरसाइज है। ओके, तो ये फॉर्मूले को मैंने ड्राइव करना बताया था कैसे, तो आप देखिए हमने आपको एक फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों, यहां देखिए साइन 90 डिग्री माइनस ए जो कि ए बी अपॉन ए सी आया था, यहां पर ए बी अपॉन ए सी था। तो ये दोनों इक्वेशन को यदि आप रिलेट करेंगे तो देखिए राइट हैंड साइड इक्वल है, तो आपको क्या मिला, साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए। तो यहां पर यही फॉर्मूले बना हुआ, साइन 90 डिग्री माइनस ए किसके इक्वल हो गया, कॉस ए, और कॉस 90 डिग्री माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा, साइन। इसी तरीके से टेन और कॉट के बीच में बनेगा कॉट और टेन का, सेक और कॉसेक और कॉसेक और सेक। हमेशा याद रखिएगा साइन और कॉस के बीच में इंटरचेंज रिलेशन होगा, टेन और कॉट के बीच में होगा और सेक और कॉसेक के बीच में होगा। और एग्जांपल से क्लियर करते हैं बच्चों, जैसे देखिए मैंने आपको क्या बोला, साइन और कॉस के बीच में होगा, ठीक है, तो यहां पर यदि साइन की वैल्यू 30 है तो कॉस की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 60 क्यों आनी चाहिए, ताकि दोनों एंगल का सम कितना हो बच्चों, 90 डिग्री। इसलिए यदि साइन 30 होगा तो कॉस 60, कॉस 30 होगा तो साइन 60। इस तरीके से यहां देख लीजिए टेन और कॉट के बीच में रिलेशन होगा, तो देखिए यहां टेन है तो यहां कॉट है, अब यहां 30 है तो यहां पर क्या आएगा, 60। इस तरीके से कॉट 30 टेन 60, सेक 0 है तो कॉसेक 90, कॉसेक 45 है तो सेक 45। चलिए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज में ये थे, ये फॉर्मूले डिराइव करना, जस्ट एक एग्जांपल दे दिया था, नहीं भी आता आपको डिराइव करना कोई जरूरत नहीं, हमको ये आना चाहिए कि साइन 90 डिग्री माइनस ए कितना होगा, कॉस ए के, कॉस 90 डिग्री माइनस ए क्या हो जाएगा, साइन ए के, जस्ट उल्टा हो जाएगा घंटे। इस तरीके टेन का कॉट के साथ बनेगा, कॉट का टेन के साथ। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 9 है, पेज नंबर 189 एनसीईआरटी का। ये दिया हुआ टेन 65,
अपॉन कॉट 25 को इवेल्युएट करना है, क्या वैल्यू आएगी। तो देखिए बच्चों, टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, हमने आपको बताया था टेन यदि कोई एंगल ए होगा तो क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस ए। तो हमने लिख दिया वी नो डेट टेन इक्वल्स टू कॉट 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है। तो जब भी आप इस तरीके से करेंगे तो सबसे पहले चेक कर लीजिएगा कि टेन और कॉट दिया है तो इट मीन इनके बीच में रिलेशन बनेगा, ठीक है। अब ये जो टेन कॉट दिया है तो ये जो डिग्रीज दी हुई, एंगल दिया हो, इन दोनों का सम 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक कर लीजिए। 65 प्लस 25 करेंगे तो 90 आएगा, या फिर 90 में से इनमें से किसी एक डिग्री को माइनस कर लीजिए, दूसरा आंसर आ जाएगा। जैसे हम 90 माइनस 65 किया तो कितना है 25, इट मीन्स इन दोनों में आपस में रिलेशन बन जाएगा। चलिए प्रोसीड करते हैं। देखिए टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस ए, ओके फॉर्मूले से लिख दिया। तो टेन ए कितना हमारे पास 65 डिग्री, कॉट ए की जगह 65 रखी, 90 माइनस 65, अब 90 माइनस 65 कितना हो जाएगा 25, तो कॉट 25, इट मीन टेन 65 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कॉट 25। अब कॉट 25, कॉट 25 क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया। चलिए अब एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, साइन 18 अपॉन कॉस 72 दिया हुआ। तो जो आपको एग्जाम्पल बताया उसी एग्जाम्पल पर बेस सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले देख लीजिए ये साइन और कॉस के बीच में क्वेश्चन है, ठीक है, और इन दोनों का सम 90 आ रहा है, चेक कर लीजिए 70 प्लस 10 80 और 8 प्लस 2 10 यानी 90 आ रहा है, इट मींस ये क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए किसी एक को चेंज करते हैं, ऊपर वाले को साइन चेंज कर देते हैं, साइन ए इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस ए। तो साइन 18 को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री करेंगे तो क्या आएगा, 90 माइनस 18 72, तो कॉस 72 यानी साइन 18 की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस 72। तो देखिए कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री क्या हो जाएगा, 1। इस तरीके से आप टेन और कॉट का कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये देख लीजिए, सबसे पहले चेक कर लीजिए टेन और कॉट के बीच में रिलेशन हो रहा है, 26 और 64 जब ऐड करेंगे तो 90, तो आप इजिली सॉल्व कर सकते। फिर ये देखिए थर्ड में क्या दिया, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री दिया हुआ, तो इसमें से हम किसी एक को चेंज कर देंगे। तो देखिए कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ए, तो लिख दिया 90 माइनस ए, 90 माइनस 48 करेंगे तो क्या आएगा 42। अब देखिए कॉस 48 की जगह हम क्या लिख दिया, साइन 42, अब साइन 42 माइनस साइन 42 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ भी है, एक बार देख लीजिएगा सॉल्व किया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू देखिए, शो करना हमको, प्रूव करना है कि 1048 डिग्री 1023 डिग्री प्लस 1042 डिग्री 1067 डिग्री इक्वल्स टू 1 आना। तो सबसे पहले देख लीजिए सारा 10 10 का है ना, 10 कोट तो कहीं नहीं मिल रहा है, चलिए कोई बात नहीं। अब ऐसी डिग्रीज देखिए जिनके बीच का सम कितना हो 90 डिग्री, तो देखिए बच्चों 48 प्लस 42 ऐड करेंगे आप तो 90 आएगा, 23 और 67 करेंगे तो 90, यानी इसको इसके साथ रिलेट करना और इसको इसके साथ करना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेन ए को हम जानते हैं, वी नो डेट टेन ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस ए, तो 1048 को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस 48, और 90 माइनस 48 सॉल्व करने पे कितना आएगा 42, तो 1048 को क्या लिख दिया, कॉट 42। अब देखिए बच्चों आप जानते हैं कॉट 42 को हम क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल किसका होता है 10 का, तो 1/10 42। इस तरीके से 1023 डिग्री को चेंज करेंगे तो 1023 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, कॉट 67, और कॉट 67 को क्या लिख देंगे, 1/10 67। अब ये दो वैल्यूज यहां पर पुट कर दीजिए, तो देखिए 1042 इससे कट जाएगा, 1067 इससे कट जाएगा, सारी वैल्यूज कट गई मल्टीप्लीकेशन में, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। इस तरीके से सेकंड का, सेकंड देख लीजिए बहुत ईजी है, ओके हम क्या करेंगे, इसको जीरो लाना है, इट मीन यदि ये वैल्यू यहां दी हुई तो यहां पर भी ये वैल्यू आना चाहिए। चलिए करते हैं, कॉस में रिलेशन दिया है, साइन में कर देंगे, तो कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस है, कर दिया, तो कॉस 38 को क्या करेंगे हम, साइन 90 माइनस 38, 90 माइनस 38 सॉल्व करने पे कितना आएगा 52 आएगा, तो साइन 52। इस तरीके से कॉस 52 को चेंज किया तो कितना आया, साइन 38। अब ये दोनों वैल्यूज आपने यहां लिख दिया तो कितना आया, साइन 38 साइन 52, ओके ये पहले आएगा, पहले आ जाएगा साइन 52, चाहे आप आगे पीछे कर दीजिए। अब ये देखिए ये और ये दोनों वैल्यू सेम है, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, क्लास में आपके टीचर के द्वारा पीरियडिकल टेस्ट में पूछे जाते हैं। इफ 10 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ, बोला हुआ 2a क्या है, एक एक्यूट एंगल है, ओके 0 से 90 डिग्री के बीच में, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो हमको बताना a की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए देखिए हमारे पास गिवन गया, उससे शुरुआत करेंगे, वी हैव
टेन टू ए इक्वल्स टू कॉट ए माइनस 18 डिग्री। ओके अब बच्चों आप जानते हैं टेन ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस ए। तो हमने यहां पर क्या किया, 2a को क्या कर दिया, cot 90 डिग्री माइनस 2a। इस पूरे को ही हमने ये मान लिया, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस 2a। अब बच्चों देखिए इसको एडिट करा, दोनों साइड में cot cot दिया हुआ है तो कैंसल हो गया, क्या बचा 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री। अब बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 18 को यहां लाएंगे तो 90 प्लस 18 हो जाएगा, और माइनस 2a को वहां पर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में तो 3 हो जाएगा। तो आपको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, a की वैल्यू 36 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो होगा थर्ड के बाद बिल्कुल सेम है, बस वैल्यू चेंज की हुई है, तो आप कर लीजिएगा। ओके क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इफ टेन ए इक्वल्स टू कॉट भी दिया हुआ, ओके और हमको क्या प्रूव करना है, प्रूव डेट ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसी सेम पैटर्न पर है ना, तो हम क्या करेंगे, वी हैव टेन इक्वल टू कॉट बी, टेन ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस ए, तो हमने लिख दिया। अब देखिए बच्चों दोनों साइड कॉट कॉट सेम आ गया तो क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 90 डिग्री माइनस ए इक्वल्स टू बी। अब ये ए यहां पर चला जाएगा तो प्लस बी हो जाएगा, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर प्रूफ। देन क्वेश्चन नंबर सिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बोर्ड में पूछा गया है और इसकी जगह एक सेक और कॉसेक के बीच में रिलेशन देके पूछा गया है, ठीक है। तो यदि आप ये समझ में आ गया तो आप वो वाला क्वेश्चन भी इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ओके ए बी सी क्या है, किसी ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल्स हैं, तो शो करना है कि साइन बी प्लस सी अपॉन टू किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस ए बाय टू के। चलिए यदि ये इंटीरियर एंगल्स तो हमको मालूम है तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो हमने यहां लिख दिया बच्चों सिंस ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, दिस इंप्लाइज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब बच्चों यदि हम बी प्लस सी को लेफ्ट हैंड साइड में रखें, ए को राइट हैंड साइड में कर दे, तो ऐसा लिख सकते हैं। चलिए ये भी करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, हमने ऐसा क्यों किया, देखिए ये इससे रिलेट कर रहा है, बी प्लस सी बाई टू उनको प्रूव करना था और यहां पर ए लाना है, तो हमने इसलिए बी प्लस सी को लेफ्ट हैंड साइड में लिया और बाकी को राइट हैंड साइड में कर दिया, तो हमारे पास बचा बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए। अब बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर टू आ रहा है तो टू से डिवाइड कर देते हैं, टू से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो क्या आएगा, ये बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय टू, यहां पर 180 को टू से डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा और ये ए बाय टू। अब देखिए बच्चों ये थोड़ा थोड़ा सेम हो गया, अब देखिए यदि हम साइन से मल्टीप्लाई करते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो क्या आ जाएगा, साइन बी प्लस सी बाय टू, यहां पर साइन 90 डिग्री माइनस ए बाय टू। और बच्चों आप जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए, इसको पूरा ए मान लेंगे तो क्या होता है, कॉस ए। ओके तो इसकी जगह क्या कर देंगे, कॉस और ये ए की जगह ए बाय टू, तो ये देखिए साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कॉस ए बाय टू आ गया, हैंस प्रूव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके क्वेश्चन नंबर सेवन जो कि ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एग्जांपल नंबर 11 से रिलेट करता है, इसलिए पहले सबसे पहले एग्जांपल नंबर 11 करेंगे, पेज नंबर 189 का। इसमें बोला गया है एक्सप्रेस कोट 85 डिग्री प्लस कोट 75 डिग्री, इसको किस में रिलेट करना है, इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री, यानी चेंज करना है और वो एंगल किसके बीच में आना चाहिए, 0 और 45 डिग्री के बीच में। देखिए यहाँ पे आंसर आप ये दोनों 5 और 15 आया, 0 45 के बीच में। चलिए अब ये देखिए कैसे होगा, तो कॉट 45, कॉट ए को क्या लिख सकते हैं बच्चों आप, टेन 90 डिग्री माइनस ए। ओके तो ये पूरा कॉट कॉट का था, यानी ए की रिलेशन लगेगा, तो कॉट 85 को हमने कर दिया टेन 90 माइनस ए, ए की जगह क्या 85, और टेन 90 माइनस 85 करोगे तो क्या आएगा 5, टेन 5 डिग्री। इस तरीके से कॉट 75 को चेंज कर दिया, अब ये दोनों वैल्यू बस की जगह लिख दीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। ओके इसमें साइन 67 प्लस कॉस 75 दिया था, बच्चों आप ट्राई कर की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें साइन कॉस दोनों लग रहा है तो दोनों फॉर्मूले लगा दिए, साइन 67 को कॉस 90 माइनस 67 किया तो कॉस 23 आ गया, कॉस 75 को साइन 90 माइनस 75 किया तो साइन 15 आ गया। इस तरीके से देखिए दोनों वैल्यू 0 45 के बीच में बिलोंग कर रही है। ओके तो ये हमने ला दिया। चलिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।